अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर बिगेस्ट पेन पॉइंट इन योर प्रिपरेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम 2023, तो आई गेस 90% ऑफ यू विल से दैट इट इज क्वांट एंड रीजनिंग। तो कितने ही एस्पिरेंट से हमारी हर साल बात होती है एंड उनका एग्जाम इसलिए ही क्लियर नहीं हो पाता बिकॉज दे आर नॉट एबल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी सैड। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हमको क्वांट एंड रीजनिंग कैसे कवर करना चाहिए सो दैट क्वांट एंड रीजनिंग डज नॉट बिकम अ हिंड्रेंस इन आर जर्नी टू बिकम एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। सो एक जो चीज मैंने नोटिस करी है, जो कैंडिडेट्स गलती करते हैं दैट इज हम सिलेबस को नहीं समझते, एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझते, काफी अनऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करते हैं, एंड सेकेंडली हम कोई प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड आई थिंक यही गलतियां थी जो मैंने नहीं करी थी व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट। तो मैंने दो चीजें जरूर करी थी। वन, कि मैंने सिलेबस को समझा था एग्जाम के, जो भी एग्जाम मैंने दिए थे आई अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ द पेपर एंड आई फॉलोड अ प्रोसेस। तो इस वीडियो में मैं यही दो चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं विच गेव मी सक्सेस, दैट इज द डायरेक्शन कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सोर्सेस क्या हो सकते हैं, पैटर्न क्या है एग्जाम का, और प्रोसेस की मैंने पढ़ाई करी कैसे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप समझ लो कि आप कौन सी कैटेगरी में लाए करते हो। तो यहां पे मैं कुछ कैटेगरी बना रहा हूं। तो बेसिकली हमारा फेज वन एग्जाम है और फेज टू एग्जाम है आरबीआई में। सो ऐसा हो सकता है कि आपका करंटली फेज वन भी वीक हो और फेज टू भी वीक हो। तो कैटेगरी वन, दिस इज कैटेगरी वन। कैटेगरी टू, अगर आपका फेज वन वीक है लेकिन आपका फेज टू स्ट्रांग है, ओके। एंड कैटेगरी थ्री, अगर आपका फेज वन कंपैरेटिवली स्ट्रांग एरिया है लेकिन आपका फेज टू वीक है। और अगर आपका फेज वन भी स्ट्रांग है और फेज टू भी स्ट्रांग है, फिर तो हम आपको मॉक इंटरव्यू में मिलेंगे डायरेक्ट, राइट? यस। सो अब अगर आप पहली या दूसरी कैटेगरी में लाई करते हो, इफ यू फॉल इन द फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी, तो इस केस में मैं आपको बोलूंगा कि आपको फेज वन में अच्छा फोकस करना है, क्वांट रीजनिंग में आपको बेटर फोकस करना है। और फेज टू के लिए आप ये कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो आप फेज वन फेज टू के अभी से साथ में कवर करते हुए चल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अराउंड 45 डेज है एग्जाम होने तक की डेट में। तो आप करंट अफेयर्स फेज वन फेज टू दोनों के एक साथ कवर कर सकते हैं इफ यू लाइक इन द फर्स्ट टू कैटेगरीज, और बाकी फेज टू की जो लाइव क्लासेस होती हैं वो आप अटेंड कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर आपका फेज वन कंपैरेटिवली स्ट्रांग है तो उस केस में अभी आप 10-15 दिन एक्सक्लूसिवली फेज टू पर लगा सकते हो, ठीक है? उसके बाद बचे हुए 30 दिन, बचा हुआ जो एक महीना होगा, वो आप उसको आप फेज वन पे डिवोट कर सकते हो इफ यू लाइन कैटेगरी थ्री। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा डायरेक्शन की। डायरेक्शन मतलब कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स हमको पहले कवर करने चाहिए, ओके। तो दैट इज द डायरेक्शन पार्ट। उसके बाद बात करेंगे कि पढ़ाई करनी कैसे है, प्रोसेस ऑफ इट। तो सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट क्वांट। तो क्वांट में आप ये टॉपिक्स देख रहे हैं, तो जो मैक्सिमम वेटेज है, जिनमें से हर साल मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज एरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज एंड सीक्वेंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। दीज फोर कैरी द मैक्सिमम वेटेज। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, मेंजुरेशन प्रोबेबिलिटी, इनमें से कम क्वेश्चंस आते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे ये फर्स्ट फोर कैटेगरीज हैं। एरिथमेटिक एक लार्जर एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, ठीक है? तो काफी सारे टॉपिक्स आते हैं एरिथमेटिक में। तो आपको पहले ये फर्स्ट थ्री कवर करने चाहिए, एरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज। डेटा इंटरप्रिटेशन आप उसके बाद कवर कर सकते हो, और डेटा इंटरप्रिटेशन में एक चीज हमको जरूर ध्यान रखनी होती है, दैट इज द चॉइस ऑफ क्वेश्चन वी आर डूइंग। कि एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एनालाइज करना है कि शुड आई डू दिस डेटा इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन इन द फर्स्ट राउंड, या इसको मैं बाद में करूं, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो उस केस में फिर उस क्वेश्चन को बाद में करना बेटर रहेगा। तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करती है इन आरबीए ग्रेड बी एग्जाम, और चॉइस ऑफ क्वेश्चन की वजह से ही काफी कैंडिडेट्स का एग्जाम क्लियर नहीं होता, बिकॉज दे पिक अप द रॉन्ग क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करने लग जाते हैं, जो ज्यादा ज्यादा लेंदी है या ज्यादा मुश्किल है। तो जो क्वेश्चन ईजी होते हैं वो पहले हमको अटेम्प्ट करने चाहिए, तो वो चॉइस होती है क्वेश्चन की, राइट?
देन अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने इजी टॉपिक्स पहले लिखे हैं, बिकॉज ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं सभी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन में इजी टॉपिक्स पहले कवर कर सकते हो, लाइक डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस जो होता है वो इजी टॉपिक है, ब्लड रिलेशंस, सिलॉजिज्म भी इजी है अगर आप एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ओके। इसमें रिवर्स सिलॉजिज्म और नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उन क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आरबीआई में अगर आप पास्ट ईयर्स का एनालिसिस देखोगे, काफी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, कन्वेंशनल वन लाइन क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते, राइट। देन इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटीज, तो ये टॉपिक्स आप पहले कवर कर सकते हो, विच विल रिक्वायर लेसर टाइम टू कवर। पजल से ऑल्दो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पजल्स में अगेन चॉइस मैटर करती है, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको बताया कि कुछ पजल्स इजी होती हैं जो दो वेरिएबल की होती हैं, लेकिन कुछ पजल्स जिनमें तीन चार या पांच वेरिएबल्स भी होते हैं वो पजल्स मुश्किल होती हैं, ओके। तो वो पजल्स आपको एग्जाम में बाद में करनी चाहिए, अगर कोई इजी पजल है तो वो आप पहले कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं क्रिटिकल रीजनिंग की, जिसमें आपका स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फरेंस, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो दीज क्वेश्चंस आर आल्सो समटाइम्स वेरी सब्जेक्टिव, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने का रिस्क रहता है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आल्सो, ओके। तो ये बेसिकली हमारा डायरेक्शन वाला पार्ट हो गया कि क्वांट और रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स है, हम पहले क्या कवर कर सकते हैं। अब इसके लिए कवर करने के लिए यू कैन रेफर टू एनी बुक, तो आप कॉन्सेप्ट शॉर्टकट के लिए कोई बुक रेफर कर सकते हैं, आपने अपने अगर पर्सनल नोट्स बना रखे हैं तो आप वो नोट्स को रेफर कर सकते हैं, ओके। और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारी क्वेश्चन बैंक बुक अवेलेबल है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। देन नेक्स्ट हमारा जो मेन चीज है, द मेन पॉइंट व्हिच आई हैव टू डिस्कस इज द प्रोसेस, कि कवर कैसे करें, पढ़ाई करें कैसे, क्या प्रोसीजर हमको फॉलो करना चाहिए, विच विल बी मोस्ट इफेक्टिव। तो उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारा लर्निंग ग्राफ होता है, तो कन्वेंशनली मतलब आप देखोगे या तो लर्निंग ग्राफ आपका इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा या आपका कर्व्ड होगा लर्निंग ग्राफ। लेकिन क्वांट एंड रीजनिंग में लर्निंग ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है, क्वांट एंड रीजनिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हमारा लर्निंग ग्राफ जो होता है वो एक स्टेप लैडर की तरह होता है, सीढ़ी की तरह होता है, कि वी आर ऑन दिस लेवल, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, देन ग्रेजुअली क्या होता है, सडनली फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर हम हाई लेवल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, फिर हम हाई लेवल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहते हैं, फिर हम एक लेवल और ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर हम एडवांस लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं, ओके। तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर मांगता है क्वांट एंड रीजनिंग, बिकॉज कई बार हमको लगता है कि हम वही सेम चीज कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, बट इंप्रूवमेंट आती है, इट टेक्स सम टाइम, ओके। तो अगर जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा अगर आप वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल सी द ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट इन योर स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो चार स्टेप की ये टेक्निक है जो मैंने फॉलो करी थी एंड आई फाउंड इट इफेक्टिव, और ये मैं सभी को बताता भी हूं। सबसे पहले स्टेप वन की बात करते हैं। स्टेप वन क्या हो गया, यू पिक अ टॉपिक ऑफ क्वांट और रीजनिंग। सपोज आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है आपने टॉपिक पिक करा अरिथमेटिक का, सबसे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 5 से 10 इजी क्वेश्चंस करोगे फ्रॉम टाइम स्पीड डिस्टेंस फ्रॉम एनी बुक, पहले लेवल वन इजी क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। After you are able to, अगर आप ये 5-10 क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल में मूव करोगे, फिर आप लेवल 2 पे जाओगे, मीडियम लेवल क्वेश्चंस करोगे आप, 10 मीडियम लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर 10 क्वेश्चंस मीडियम लेवल की भी आप इजिली कर पाए हो, ओके, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई है, देन यू विल मूव टू नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ओके, उसके आप फिर 10 क्वेश्चन करोगे। बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप 10 क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप 10 क्वेश्चन और करोगे जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए। तो ये ऐसे आपने एक टॉपिक कवर कर लिया क्वांट का, सिमिलरली फिर आप नेक्स्ट टॉपिक उठाओगे टाइम एंड वर्क, ये स्टेप फॉलो करोगे। ऐसे 5 टॉपिक्स आप पहले कवर कर लो, ठीक है, 5 टॉपिक्स यू कवर ऑफ क्वांट। उसके बाद आपको क्या करना है, दैट इज योर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, इन 5ों ही टॉपिक्स में से 5-5 क्वेश्चंस पिक करोगे हार्ड लेवल के, लेवल 3 के। तो लेट्स सपोज 5 क्वेश्चंस 5ों टॉपिक्स में से, तो 25 क्वेश्चंस आपने टिक कर लिए, मार्क कर लिए, वो क्वेश्चंस आप फिर करोगे अटेम्प्ट, ठीक है। अभी आप विदाउट टाइमर कर सकते हो इनिशियली, लेकिन फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो स्टेप 2 है, स्टेप 1 आपका हो गया विदाउट टाइमर, इसमें टाइमर आप मत लगाओ क्योंकि बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन स्टेप 2 में फिर आप टाइमर लगा सकते हो। तो 25 क्वेश्चंस है, तो आप इनिशियली 25 मिनट अपने आप को दे सकते हो, ठीक है। ग्रेजुअली आप इसका टाइम कम कर सकते हो, 25 की जगह फिर 20 मिनट दे सकते हो,
टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। तो 25 क्वेश्चंस के लिए आप 25 मिनट अपने आप को दोगे और आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप टू का। फिर जब आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर आप देखोगे कि आप क्या 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाए। वर यू एबल टू डू द क्वेश्चंस इन द टाइम इन दैट प्रेशर ऑफ टाइम? ओके, और अगर नहीं कर पाए हो देन यू विल आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड यू विल वर्क ऑन दोज वीक एरियाज। सो फॉर एग्जाम्पल इट मे हैपन दैट इन दिस टेस्ट यू विल कम टू नो दैट 2 out of the 5 टॉपिक्स, दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे वीक हैं। तो वो जो दो टॉपिक्स आपके वीक आपने एनालाइज करे उनको आप फिर से स्टेप वन अप्लाई करोगे, उन टॉपिक्स पे आप फिर से स्टेप वन अप्लाई करोगे। ओके, तो ये आपको करना पड़ेगा। देन व्हाट इज स्टेप थ्री? तो आपने सारे टॉपिक्स पॉइंट के कवर कर लिए, जैसे 5 आपने कवर कर लिए, 5 का टेस्ट बना लिया। फिर बचे हुए 5 टॉपिक्स आपने कवर करे, उनका टेस्ट बना लिया। जब आपके सारा सिलेबस कवर हो गया क्वांट का, फिर आप स्टेप थ्री पे आओगे। एंड दैट स्टेप थ्री इज कि आप एक फुल फ्लेज टेस्ट बनाओगे क्वांट का। टेस्ट बनाने का मतलब क्या है? सिंपल है, कुछ आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाना। आपने जो भी आपके पास बुक है, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ओके, उसमें से आपने यू जस्ट मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, लेट्स सपोज 30 क्वेश्चंस आपने पिक कर लिए और 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस आपने पिक कर लिए, आपने मार्क कर लिए, आपने एक टाइमर ऑन कर लिया लैपटॉप पे या अपनी वॉच में टाइमर लगा लिया। ओके, एंड लेट्स सपोज यू गिव योरसेल्फ 30 मिनट्स और 25 मिनट्स, लेट्स सपोज, बिकॉज एग्जाम में 30 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मिनट ही मिलते हैं। ओके, तो वही एग्जैक्ट आप रख सकते हो। ठीक है, तो फिर आपने 30 क्वेश्चंस मार्क कर लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, टाइमर लगा लिया, फिर आप ये फुल फ्लेज टेस्ट कर रहे हो टाइमर के साथ। ठीक है, तो ये अगर आप प्रोसीजर फॉलो करोगे, तो इसमें स्टेप थ्री ये हो सकता है कि पहले आप विदाउट टाइमर कर लो, टाइमर नहीं लगा रहे हो, और स्टेप फोर ये हो सकता है कि आप टाइमर के साथ कर रहे हो। ओके, बट अगर आपको लगता है कि आप स्टेप टू में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, तो आप स्टेप थ्री को बाईपास भी कर सकते हो, बिकॉज टाइम हमारे पास लिमिटेड है। आप डायरेक्टली स्टेप फोर पे आ सकते हो, जिसमें आप वही 30 क्वेश्चंस कर रहे हो टाइमर के साथ। तो ये प्रोसेस मैंने फॉलो किया था एंड आई फाउंड इट रियली वेरी हेल्पफुल, बिकॉज इस पे हमको रियलिटी चेक भी मिलता रहता है कि कौन से टॉप एरियाज हमारे वीक हैं, कौन से एरियाज हमारे स्ट्रांग हैं। तो ये हमको साथ साथ में पता चलता रहता है, अपनी प्रोग्रेस हमको साथ में पता चलती रहती है, और हम अपने वीक एरियाज पे वर्क भी कर सकते हैं। ओके, और एग्जामिनेशन में क्या हेल्प होगा, बिकॉज ये जब आप प्रोसेस कर चुके हो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। तो एग्जामिनेशन में जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस मैटर्स अ लॉट इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। और जो भी कैंडिडेट्स का लास्ट ईयर क्लियर हुआ था, जिनसे भी मैंने बात भी करी थी, तो वन स्ट्राइकिंग पॉइंट वॉज कि उन्होंने चॉइस काफी अच्छी करी थी क्वेश्चंस की, इजी क्वेश्चंस पहले उन्होंने अटेम्प्ट करे थे। दिस प्रोसेस आई फाउंड वेरी वेरी हेल्पफुल, तो आई विल रिकमेंड कि ये प्रोसेस आप सभी लोग फॉलो कर सकते हो। तो दो चीजें जो मेन पता होनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को, वो है डायरेक्शन कि हमको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ सकते हैं, और प्रोसेस कैसे हमको पढ़ना चाहिए, बिकॉज अनऑर्गेनाइज वे में हैफजार्ड मैनर में पढ़ोगे तो इट इज ऑफ नो यूज। ओके, सो गाइज दिस वॉज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। इसके अलावा लाइव क्लासेस मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप वो लाइव क्लासेस जरूर अटेंड किया करो, क्वांट रीजनिंग की। वो आपका स्टेप वन और स्टेप टू को कवर कर रहे हैं। ओके, और जो मॉक टेस्ट होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो स्टेप थ्री और स्टेप फोर को कवर करते हैं। तो हम जो प्रिपरेशन कराते हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो करके ही प्रिपरेशन करा रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, आई थिंक पता भी है काफी लोगों को, कि क्रैश कोर्स ये हम ऑफर कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी का। इट इज आफ्टर डिस्काउंट, इट इज अवेलेबल फॉर 10,000 rupees। इसमें लाइव क्लासेस हैं, सारे नोट्स हैं, PDFs हैं, एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें है। और अभी और इसमें अगर आपको बुक किट, इफ यू डोंट वॉन्ट टू टेक द बुक्स, तो दिस कोर्स देन विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 7500 अगर आप बुक्स नहीं लेना चाह रहे हो। ओके, और कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है, क्वेरी है, तो यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन आर नंबर, काउंसलर नंबर, दैट इज 9999466225। ओके, 466225, तो दैट इज द काउंसलर नंबर, 9999466225। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। तो कोई क्वेरी है आपकी, आप कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी क्वांट रीजनिंग, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा कोई प्रोमिनेंट कोई चीज होगी तो उस पर मैं एक और वीडियो लेके आ सकता हूं, अगर मैक्सिमम लोगों को कोई टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग कुछ पूछना है, देन यू कैन ऑलवेज टेल इन द
कमेंट सेक्शन। बाकी जो लाइव क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं उसका जो प्लानर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गुड बाय, टेक केयर, प्रिपेयर हार्ड। जय हिंद।